सौरभ का ये जो हाय ये है ना किलिंग है, शर्मा गया लड़का। मैं आपको मतलब थोड़ा सा किल वाला फील हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, तभी तो बोला। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये फोटो है महाराजा हरि सिंह जी की और हम ये अपने ऑफिस में लगा रहे हैं और आज से सबसे अपील करेंगे कि आप भी अपने अपने ऑफिस में लगाओ एज एन ऑनर, एज अ ट्रिब्यूट। चाबी घुमाई जाती है, रो रो का तेरा ना जेब देखो कैसे भर के रखी। मिल गई। अब ना कुछ और ही करना पड़ेगा इधर। लास्ट इस ताले की 3 चाबियां थी, अब ये एक बची है लास्ट, और ये चौथा ताला। सो ये ग्रब हाउस बाय मेडक्लेट क्लब 3.0 और आज पहला दिन ओपनिंग। चलो सुबह के 10:30 और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस नए दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है यार। ये गर्मी मतलब सितंबर आने को हो गया है पर ये गर्मी खत्म नहीं हो रही, पता नहीं अब कब गर्मी खत्म होगी। बट फिलहाल चलो करते दिन की शुरुआत भोले बाबा जी के नाम लेके, हर हर महादेव, और बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ। तो अभी हम आए थे ऑफिस और हमने एक फोटो लाई है, फ्रेम लाया, और अभी हम ये फोटो फ्रेम में डाल रहे हैं। और फोटो किसका हम आपको बताते हैं, पहले इसको डालते हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे डालेंगे, आप सारे भी डालेंगे, नहीं आप सारे भी अपने ऑफिस में लगाएंगे। ज़्यादा महंगा फ्रेम नहीं है, ज़्यादा महंगी फ़ोटो भी नहीं है, बट जिस बंदे की फ़ोटो है वो बहुत वैल्यू वाली चीज़ है। तो ये फोटो है महाराजा हरि सिंह जी की और हम ये अपने ऑफिस में लगा रहे हैं और आज से सबसे अपील करेंगे कि आप भी अपने अपने ऑफिस में लगाओ एज एन ऑनर, एज अ ट्रिब्यूट। सो फोटो लग चुकी है और इस फोटो ने हमारी ऑफिस की शान और बढ़ा दी है और नीचे हमने इनका महाराज जी की कोटेशन लिखी है कि जस्टिस इज माय रिलीजन, इंसाफ ही मेरा धर्म है। बिल्कुल, तो आप भी लगाएं और अपने अपने फोटोज हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, तो अपने ऑफिस में लगाएं। आप भी अपने अपने ऑफिस में महाराज हरि सिंह जी की तस्वीर लगा सकते हैं, हमें फोटो शेयर कर सकते हैं, हम आपको टैग करेंगे सोशल मीडिया पे, स्टोरीज में शेयर करेंगे। तो अभी हम आए थे फिलहाल हेयर मास्टर्स जम्मू, एक यहाँ पर इवेंट था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स वगैरह बुलाए गए थे, हमें बुलाया था लेकिन हम लेट हैं, हम सबसे लास्ट में आ रहे हैं जब सब खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आज कुछ लॉन्च हुआ है फेशियल का, मुझे कुछ मालूम नहीं है शिवानी जी, क्या हो रहा है, हो क्या रहा था यहाँ पर? हमने आप स्किनडोर की प्रीमियम रेंज लॉन्च की, स्किनडोर एक ब्रांड है फेशियल्स का, उसकी हमने रेंज लॉन्च की है। तो हमने कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए थे, तो हमने उनसे, आप उनसे ही पूछो कैसा लगा फेशियल। इन्होंने बोला मुझे समझ कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ तो था थ्योरी में, प्रैक्टिकली क्या था? ये फेशियल था, स्किन ट्रीटमेंट था, आई मीन एनी फेशियल इज लाइक यू पैम्पर योर स्किन और उसका इफेक्ट आना चाहिए, ग्लो इज द मेन इफेक्ट। जरूरत है इफेक्ट की? नहीं, ये ग्लो आज के फेशियल के बाद आया है। अच्छा। थोड़ा 10-20% कम था जो आज थोड़ा दिख रहा है, इट वॉज गुड स्पेशली फॉर पीपल लाइक आस जो बिजी होते हैं, जिनका बिजी स्केड्यूल होता है, उसके बाद थोड़ी स्किन पैम्परिंग, थोड़ा टाइम अपने आपको देना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए टू फील गुड। और मानसी जी आपने भी सेम फेशियल करवाया? यस एब्सोल्युटली। आपका ग्लो बढ़िया देखा, तुम्हें लग नहीं रहा? नहीं मतलब जिन लोगों को जरूरत नहीं है ग्लो की उनको बुलाया हुआ है, गलत बात शिवानी जी। नेक्स्ट चॉइस और आपको मैं करवाना चाहिए थी। मतलब आप मानते हो मुझे जरूरत है? थोड़े से टायर्ड लग रहे हो, मैं भी बहुत एग्जॉस्टिंग एग्जीबिशन से आई थी, 3 days लास्ट होल वीक आई वॉज इन दिल्ली धूल और उसमें, एंड इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, एब्सोल्युटली मजा आ गया यहाँ पे फेशियल का, बढ़िया रहा। और अमर जी आप डोंट, आपको क्या जरूरत है, मतलब आप ऐसे हाथ पे कीजिए ना, आप तो इमॉर्टल हो ना। ओके हाँ, मैं ये रंग रूप तो नहीं खा रहा हूँ, कैसे रहेगा हमेशा? मैं बता दूँ मैंने अभी तक फिलहाल कोई सर्विस ली नहीं है। नहीं, नहीं? नहीं अभी मैं आज पूरा दिन बिजी थी, मेरी कल की है। कल की है? चल लोगे, मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसे ठीक हो आप कसम से, नेचुरल ब्यूटी अच्छी है। सौरभ का ये जो हाय ये है ना किलिंग है, शर्मा गया लड़का। मैं आपको मतलब थोड़ा सा किल वाला फील हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, तभी तो बोला। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, चलो थैंक यू, बाय। तो ये भी है करेंगे हमारा हाइड्रा फेशियल और मुझे लेटा दिया गया।
तो जब आए थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी करवा लें हाइड्राफेशियल, तो हमने भी करवा लिया और हमारा चेहरा भी एकदम मतलब चमक रही है धूप में। तो फिलहाल रजत भाई ने ज्वाइन किया था, कैसे हो? क्या यार तो ये बोल रहे कुछ गिफ्ट लाया हमारे लिए, क्या अभी नहीं दिखा, ऑफिस में जाके दिखाना है। बैठो बैठो, अरे आप आ जाओ हमारा ऑफिस, हम पैदल आ जाएंगे, आप आ जाओ गाड़ी लेके। चलो चलो, इतना कन्विंस कर ही रहे हो तो चलो। एक तो यार ताला लगे, चाबी किसके पास है? उधर चेक कर, उधर तो नहीं थी, देखा मैंने उधर है नहीं, किसी के जेब में ड्रामे कर रहा है। नहीं दो मिनट पकड़ो, बस वो सही चाबी है, चाबी घुमा जाती है, रो रो का तेरा ना जेब में देखो कैसे बर्क कर रखी। मिल गई, हां मिल गई मिल गई मिल गई, अपना कुछ चोरी करना पड़ेगा इधर। लास्ट इस ताले की तीन चाबियां थी, अब ये एक बची है लास्ट, और ये चौथा ताला टूटेगा नहीं, ये चौथा ताला अभी, ये हमारा टूटा ना, देखना इधर से निशान पड़े ना, तोड़े हैं पहले वाला, फिंगरप्रिंट वाला लगवा दे वो तो देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मैगलेट 3.0 की ओपनिंग में, ग्रब हाउस ग्रेटर कैलाश। चलो मैगलेट जाने से पहले हम आए हैं गाड़ी धुलवाने, क्योंकि धुलवा के इसको चमचमा के ले जाएंगे। क्यों ठाकुर बंदे ऐसे पकड़े हैं एक ही बार गाड़ी पे जैसे अपनी सही बात है यार, ये देखो इतने की गाड़ी नहीं थी, इतने बंदे की दिहाड़ी बन जानी। ये हमारी गाड़ी बाहर से धुल चुकी है, अभी ये सब आपको शिकारी बड़े आराम से दिख रहे होंगे, मगर अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। शिकारी को शिकार मिल चुका है और सब मिल बांट के खाएंगे। So, ये ग्रब हाउस बाय मैगलेट क्लब 3.0 और आज पहला दिन ओपनिंग। चलो ओपन एरिया, यहाँ पे जेल है, आप अंदर जाके कैद हो सकते हो, और यहाँ पे अलग वाइब है, यहाँ से आप व्यू का मजा भी ले सकते हो साथ साथ। तो इस वक्त शाम के बज रहे 4 और हमने लंच नहीं किया था, तो भूख लगी थी बहुत ज्यादा, और फिर से आ गए हम अपने फेवरेट डोसा पॉइंट सन्नी मत के, डोसाज एंड मोर। और पाजी अंदर होंगे, पाजी क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड ऑल गुड, से ठीक है, वेलकम। बढ़िया, पसीने हो गए क्या चक्कर है? गर्मी बहुत है बाहर, किचन में आओ बताता हूँ। मैं इधर ठीक हूँ। आज डोसा नहीं, पहले हम ट्राई कर रहे हैं इडली, क्योंकि डोसे हमने लास्ट टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किए थे, आज भी खाएंगे, लेकिन आज पहले खाएंगे इडली। और रजत भाई ने भी ज्वाइन किया, और साथ में एक और हमारे दोस्त हैं पीयूष जी। पीयूष भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, चलो करते टेस्ट। तो भैया खुद अपने हाथों से लेकर आए हमारे लिए, थैंक यू भैया। कढ़ाई पनीर डोसा, कढ़ाई पनीर डोसा आपने खाई होगी, आपने लास्ट टाइम टेस्ट ही नहीं किया था, आया टेस्ट करो, क्या मस्त है। मैं ही फूड ब्लॉगर था लास्ट टाइम, नहीं था मैं, था ही नहीं, था ही नहीं, कैसे टेस्ट करता? वही तो मतलब लास्ट टाइम थे नहीं ना, अपने टेस्ट नहीं किया, हमारे साथ हो, आई टेस्ट कर, खाओ टेस्ट इट, कैसा है? जबरदस्त पीयूष भाई, और टेस्ट ये प्लेन डोसे खाते हैं बेसिकली, मैं तो प्लेन ही खाता हूँ, बट चलो आई विल ट्राई, आई कढ़ाई पनीर खाओ, कैसा? फ्लेवर पूरे ऑथेंटिक है जैसे होने चाहिए, प्रॉपर लग रहा है, प्रोफेशनलाइज बनाया हुआ अच्छी तरह से। और देखो फूड ब्लॉगर आपने बताया नहीं यार, ये फूड ब्लॉगर आपने बताया, हाइजीनिकली पूरा पूरा देखो, हाइजीन पूरा मेंटेन किया, क्लीन है एकदम। अब हम भी खाएंगे, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? इनको हैवी नहीं खाया जा रहा था, तो इनके लिए मंगाया बटर प्लेन, खाओ शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। और हमने मंगाया अनियन बटर डोसा, कैसे यही नाम है इसका, अनियन अनियन बटर मसाला डोसा, अनियन बटर मसाला डोसा, मसाला स्किप हो गया था, तो हम खाएंगे ये है मोमोज, मोमोज गंदी चीज़ नहीं खाते डोसा। चलो तो खा लिया हमने डोसे और जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो पीयूष भाई को यहीं से बाय कह रहे हैं हम, बाय टेक केयर, ओके बाय। ये मेरे को आगे बैठने देना, और अपन अभी सब काम काम उठा के वापस घर की तरफ जाते हुए, और आज के दिन में यार ज़्यादा काम तो वैसे हो ही नहीं पाया, क्योंकि सुबह ही हेयर मास्टर से ले गए थे, फिर अपना मैटलैट की ओपनिंग थी,
आया ऑफिस में, थोड़ी सी वीडियो एडिट करके अपलोड किया, बट ज़्यादा काम आज नहीं हो, बट कल करेंगे दिन की शुरुआत फिर से। और फिलहाल वक्त आ चुका है ये व्लॉग एंड करने का और मैं घर पहुंच चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आना चाहिए क्योंकि पसीने बहुत छूटे, देखो अभी कितने पसीने हैं। फिलहाल मैं नहाऊंगा और उसके बाद डिनर करके सो जाऊंगा। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट, टेक केयर।